मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो वी कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड आई हैव गिवन यू द होमवर्क ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 इन दिस वीडियो. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर. क्या दिया है यहाँ पे? एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, जमीन का एक हिस्सा है, बराबर, जो 0.7 किलोमीटर लंबा और 0.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, मतलब लेंथ और ब्रेथ है ये. ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज ऑफ वायर. ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज ऑफ वायर, मतलब जो जमीन है उसको फेंसिंग करने. फेंसिंग पता है बेटा, फेंसिंग मतलब तार लगाते हैं ना, कोई खेत होता है तो खेत के आजू बाजू ऐसे पूरी चारों साइड उसके तार लगा देते हैं ताकि उसमें कोई एनिमल्स ना घुस जाए. तो इस तरह से ये जमीन में भी उनको तार लगाना है, लेकिन तार ऐसे एक ही बार नहीं लगाना है. तार कितनी बार लगाना है? तार के ऐसे 4 राउंड लगाने हैं उसको, 4 राउंड करने हैं तार के. वॉट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड? तो उसको खेत वाले को कितना तार चाहिएगा ये पूछ रहा है कि कितना लंबा तार उसको चाहिएगा. तो कैसे मिलेगा? एक तो पहले हम इसका ढूंढेंगे पेरीमीटर. पेरीमीटर का हमने, ये पेरीमीटर का चैप्टर चल रहा है ना, टॉपिक जो आपको पता है. तो सबसे पहले तो वो लेंथ का हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, और फिर 4 बार अगर हमको तार लगाने हैं तो उससे 4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे. देखो, तो लेट्स स्टार्ट. हम पहले क्या लिखते हैं? लेंथ ऑफ द लैंड इज इक्वल टू 0.7 किलोमीटर और ब्रेथ ऑफ द लैंड इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर. ओके, एंड वी वांट टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ द. अब ये अलग अलग है ना बेटा, ये लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, मतलब ये जो लैंड होगी वो रेक्टेंगल होगी, सेम होती सारी साइड्स तो उसको हम स्क्वायर बोलते. तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या था हमारा इक्वेशन? 2 इंटू एल प्लस बी. सो 2 इंटू एल कितना है? ये एल मतलब लेंथ 0.7 प्लस, ये ध्यान में रखना बेटा, आगे मल्टीप्लाई है और ये ब्रैकेट के अंदर प्लस है, उसको गड़बड़ मत कर देना. ब्रेथ कितनी अपनी? 0.5. ठीक है, सो ये ऐसा का ऐसा रखो और इसको प्लस कर दो. अब 0.7 प्लस 0.5 कितना होगा? देखो मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, तुम लोग रफ में करना बेटा, यहाँ पे तुम लोग मत कर देना. प्लस 0.5, तो 7 प्लस 5 12 का 2 यहाँ और 1 आ गया यहाँ, ये पॉइंट पॉइंट की जगह पे, और ये प्लस करेंगे तो 1, तो आंसर आएगा 1.2. अब ये कैलकुलेशन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि 0.7 प्लस 0.5 1.2 आएगा. तुमको क्या लगा होगा? 0.12 आ जाता होगा, 7 और 5 को ऐड करते हैं तो 12 आ जाएगा और 0.00 ऐसे नहीं होता है, ध्यान में रखना. इसीलिए कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है. तो इसका एडिशन हो गया 1.2. ठीक है, अब देखो फिर से इसको मल्टीप्लाई भी हम कैलकुलेशन से करेंगे. ये 1.2 इंटू 2, चलो मैं इधर ही शुरू कर देती हूँ मल्टीप्लाई. तो 2 2 2 4, ये पॉइंट आ गया, और 2 1 2, तो ये हो गया 2.5 किलोमीटर. ये हो गया पेरीमीटर ऑफ द लैंड.
अब हमको क्या करना है, फेंसिंग करनी है तार से। तो तार को हमको ऐसे 4 टाइम पूरा, ये जैसे मेरा लैंड है ना रेक्टेंगल, तो यहाँ से मैं तार लगाना शुरू करूँगी तो पूरा ये पेरीमीटर जितना एक बार लगाया, फिर दूसरी बार लगाऊंगी, थर्ड टाइम लगाऊंगी और 4 टाइम लगाऊंगी। तो मुझे तो 4 गुना तार चाहिएगा ना, ऐसे ऊपर 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 थोड़ा लगाते हैं ना, देखा होगा आपने, थोड़े डिस्टेंस पे फिर थोड़ा ऊपर दूसरा तार, फिर ऐसे ऐसे ऊंचा ऊंचा लगाते हैं तो अंदर कुछ घुस ना जाए ना एनिमल्स। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे लिखा है ना, इच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर। तो हम लिखेंगे 4 रोज ऑफ वायर इज इक्वल टू 2 × 4 किलोमीटर इंटू फोर, इंटू फोर टाइम्स करना है हमको, तो 2 × 4 × 4 करो, अरे सॉरी 2.4 × 4 करो, तो 4 × 4 = 16 का वहाँ 6 या 1 ऊपर पॉइंट इधर आ गया, और 4 × 2 = 8 और 9 9.6। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे मत करना, ठीक है बेटा, ये मैं ऐसे ही समझा रही हूँ, आप लोगों को कैलकुलेशन करना है तो लास्ट में करना या दूसरी रफ नोट में करना। तो इज इक्वल टू 9.6 किलोमीटर। ओके, तो देयरफॉर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, नाइन पॉइंट सिक्स किलोमीटर वायर इज नीडेड। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन 6 में, तो उसमें फर्स्ट वाला है अ ट्राइंगल ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल, उसकी तीनों साइड का मेजरमेंट अलग अलग है। तो इसमें हम कोई इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे, हमको बस इन तीनों साइज का टोटल कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम मतलब टोटल, सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब कौन सा है, 3 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। चलो दूसरा दिया है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड्स 9 सेंटीमीटर, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब उसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तो एक साइड का मेजरमेंट दे दिया है 9, तो सारी साइड्स का 9 9 ही होगा ना। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब इक्विलेटरल का मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि तीनों साइड इक्वल होगी तो हम ऐसे 9 + 9 + 9 तो कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरी मेथड है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 × लेंथ ऑफ अ साइड, मतलब वो साइड की जो लेंथ है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × कितनी लेंथ है, 9 सेंटीमीटर, तो 3 × 9 करोगे तो 27 सेंटीमीटर, बराबर। ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए इक्वेशन है। चलो अब सी वाला द
देखो अलग अलग टाइप के ट्राइंगल ही दिए हैं इसने। यहाँ फर्स्ट में स्केलन था, तीनों साइड्स अलग थी, यहाँ इक्विलेटरल था, तीनों साइड सेम है, और थर्ड वाला है आइसोसिलेस जिसमें दो साइड इक्वल होगी, ठीक है ना। देखो एन आइसोसिलेस ट्राइंगल विथ इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर। तो आप लोग लिख दोगे एन आइसोसिलेस करके पूरा क्वेश्चन लिख दोगे, और बाद में पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसिलेस ट्राइंगल। देखो अब इसमें दो साइड तो इक्वल है, कितनी कितनी है दो साइड 8 सेंटीमीटर की, और थर्ड वाली साइड है 6 सेंटीमीटर की। तो इसके लिए हमको कोई इक्वेशन नहीं मिलेगा, तीनों का एडिशन अलग से ही करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसिलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू, जैसे स्केलन में लिखा ना, सम ऑफ ऑल साइड्स, वही यहाँ पे लिख देंगे और उसका एडिशन कर देंगे। 8 सेंटीमीटर + 8 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा टोटल 22 सेंटीमीटर, ठीक है 22 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब क्वेश्चन 7 क्या है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब ये भी एक स्केलन ट्राइंगल है, तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग है। ये लोग ये क्वेश्चन 7 आप खुद कर लेना, ये आपका होमवर्क है। कैसे लिखोगे, जैसे क्वेश्चन 6 में ए में लिखा ना वैसे ही, बराबर कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स करके फिर इन तीनों को ऐड करके दिखाना। चलो इन तीनों को, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 7। चलो क्वेश्चन 8 देखें। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन विथ ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। अब ये हेक्सागोन क्या होता है पता है ना आपको, हेक्सागोन मतलब 6-sided फिगर जिसमें 6 साइड होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से 6 साइड होती है, उसको हेक्सागोन बोलते हैं। तो इसने क्या बोला है पता है बेटा, इसने बोला है रेगुलर हेक्सागोन। अब रेगुलर का मतलब मैंने अब फर्स्ट वीडियो में बताया था, रेगुलर का मतलब ये 6 जो सारी की सारी 6 साइड है ना, वो सारी एक मेजरमेंट की होगी। तो कितना मेजरमेंट दिया है उसने कि हेक्सागोन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर, मतलब ये भी 8, ये भी 8, ये सारी की सारी जो साइड है वो 8 मीटर की है, इसीलिए उसको रेगुलर हेक्सागोन बोला। तो इसमें हम इक्वेशन बना सकते हैं, सोचो कैसे, ये 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ना हमारा आंसर, जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में किया था कि 3 से मल्टीप्लाई किया 3 से, या हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करेंगे। चलो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, आप लोग क्वेश्चन लिखोगे और आपको ऐसा ड्रॉ कर देना, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छा भी लगेगा नोटबुक में भी। फिर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू 8 सॉरी 6 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, जैसे इक्विलेटरल में ये वर्ड यूज किया था उसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 6 से करेंगे क्योंकि इसमें 6 साइड है। तो 6 इंटू लेंथ कितनी है, 1 साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 48 सेंटीमीटर। नो यहाँ आएगा मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर दिया है ना बेटा, ये ध्यान में रखना, ये जो 8 है ना वो सारे मीटर है। तो 6 × 8 मीटर एंड आंसर इज 48 मीटर। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, दूसरा आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय।